नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योति दर्पण में आप सभी का स्वागत है। सोनीपत के डीसी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अंशद सिंह ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के लिए जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों की मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीट्स कॉलेज मोहाना में सभी मतगणना केंद्रों में मतगणना से लेकर सुरक्षा तक के सभी इंतजामों को पूरा कर लिया गया है। डीसी ने बताया कि मतगणना के दौरान प्रत्येक राउंड का परिणाम समय पर देने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि मतगणना 24 अक्टूबर को गुरुवार के दिन सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। आइए दोस्तों सुनते हैं सोनीपत के डीसी और जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस पर क्या कहा। क्या तैयारियां कंप्लीट कर ली गई? इसमें जो कमीशन का जो गाइडलाइन है, सबसे पहले हमने जो भी स्ट्रॉन्ग रूम काउंटिंग होगी उसमें 3 टायर में सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया। सबसे बाहर डिस्ट्रिक्ट पुलिस होगी गेट के ऊपर, उसके बाद स्टेट आर्म पुलिस है, और थर्ड जो काउंटिंग सेंटर और ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम के पास है वो सेंटर सीपीएम। इसमें सबसे पहली बात ये 9 व्हीकल जोन बनाया गया है जो काउंटिंग सेंटर के आसपास, तो जो भी लोग होंगे चाहे कैंडिडेट हैं या काउंटिंग एजेंट हैं, वो जो पार्किंग की व्यवस्था साथ में की गई वहीं उनकी गाड़ियाँ पार्क होंगी, उसके बाद ही वो पैदल ही अंदर प्रवेश कर पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए हर एक जो कर्मचारी अधिकारी हैं अलग से पास इशू किया गया आई कार्ड के रूप में, ताकि जो आइडेंटिफाइड आदमी है उन्हीं की एंट्री हो, जो परमिटेड लोग हैं उन्हीं की एंट्री हो। हमारी काउंटिंग की जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी थी वो पूरी हो गई है, प्रॉपर बैरिकेडिंग कर ली गई है। हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के काउंटिंग हॉल में 14 काउंटिंग टेबल की व्यवस्था की गई है, तो उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, जितने बूथ हैं हर एक विधानसभा क्षेत्र में, उसके हिसाब से उनका राउंड भी होगा। सुबह कितने बजे मतलब? सुबह 7:30 बजे हमारा स्ट्रॉन्ग रूम खुल जाएगा, उसके बाद 8 बजे से सबसे पहले ETPVS और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, और लगभग 8:30 बजे प्रॉपर CU की काउंटिंग शुरू कर दी। जो बाहर की वोट हैं, बाहर के जो वोट हैं मतलब पोस्टल बैलेट जो है, वो 8 बजे शुरू होगा उसकी काउंटिंग। पहले हम ETPVS का लेंगे जो सर्विस वोटर्स हैं वहाँ के, उसके बाद जो पोस्टल बैलेट जो कर्मचारी ड्यूटी पर थे इलेक्शन ड्यूटी पर उनकी काउंटिंग। अब की बात सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रतिशत ये आंकड़े तो आप सभी के पास है, लगभग 65% के आसपास मतदान रहा है। दोस्तों आपको बता दें, आज हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित होना है, जिसके लिए मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।